अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैडम मैं आपका कंसर्न जो है ना वो समझता हूँ। समझता हूँ जब बच्चे को चोट लगती है तब माँ बाप पर क्या बीतती है। क्या आपने अपने बेटे से पूछा कि उसे मारा किसने? अब चिंटू ने खुद मुझे बताया कि मनन ने उसे मारा है। बेटा चिंटू क्या आपने मनन को आपको मारते हुए देखा या फिर आपको धक्का देते हुए देखा है क्या? नहीं, उस टाइम पर लाइट नहीं थी, पर मनन मेरे साथ ही खड़ा था। तो आपको लगा कि आपको मनन ने धक्का मारा पर आप ठीक से देख नहीं पाए। पर क्या लगता है आपको मनन आपको धक्का क्यों मारेगा? क्या आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं तो मेरी और मनन की तो कभी भी लड़ाई नहीं होती। वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा मेरी हेल्प करता है। मुझसे टिफिन शेयर करता है, नोट्स भी शेयर करता है। पर आज और अब भी उसने आपको धक्का नहीं मारा है। बेटा ये भी तो हो सकता है ना कि बाय मिस्टेक आपको किसी और का धक्का लग गया हो। हो सकता है। देखा आपने, मैं समझता हूँ कि अपने बेटे को इस हालत में देखकर आपको बहुत गुस्सा आया होगा। जरा सोचिए आप कर क्या रही थी। बच्चे को चोट लगने की वजह से आप पुलिस बुलाने की धमकी दे रही हैं। आप समझ रही हैं कि आप कर क्या रही थी। जरा सोचिए कल को आपके बेटे की वजह से किसी बच्चे को गलती से धक्का लग जाए, उसे चोट लग जाए और उस बच्चे के माँ बाप आपके बच्चे को पुलिस के हवाले करने की बात करें तो आपको कैसा फील होगा बताइए ना। ठीक लगेगा आपको? इस उम्र में जब बच्चे खेलते हैं ना तो लगती भी है और लड़ाई भी होती है। ऐसे वक्त में एज पेरेंट्स हमें सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, ना कि बच्चों के साथ बच्चा बनकर बात का पतंगड़ बनाना चाहिए। बच्चे हमें ही देखकर सब कुछ सीखते हैं ना, उन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना होता है। वो लोग तो हमें देखकर सीखते हैं ना सब कुछ। एंड एज पेरेंट्स एज एडल्ट्स हम बात को सुलझाने के बदले उसे और उलझा दे तो फ्यूचर में बच्चे भी वही करेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।